तस्वीर में दिख रही ये गुड्डा पुलिस की एक और मानवीय तस्वीर है, जहां बीते दिन महागामा के हरिनचारा में कई गरीब का घर जलकर राख हो रहा था। घर वाले अपने आशियाने को जलता देख अपना माथा पीट रहे थे। समाज के लोगों को उन जलते हुए घर के लौ के ताप में खड़े होकर एक और नई चर्चा का विषय मिल चुका था। उस वक्त महागामा थाना के थाना प्रभारी अकेले ही उस आग को इस प्रकार से बुझाने की कोशिश कर रहे थे जैसे जंगल की आग को एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लिए बुझाने की कोशिश करती थी। इस आग की उठती लौ के बीच बड़ा बाबू शायद इसलिए उस जलते घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हर रोज शायद उजड़ते हुए घर के परिवार के दुख को नजदीक से देखा है। आग की लपटें तेज हवाओं के साथ अन्य घरों को भी अपनी लपेटे में ले रही थी। इस बीच थाना प्रभारी खुद से हाथ में बाल्टी लेकर अकेले ही आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस बीच करीब आधे घंटे के बाद दमकल जरूर आई, उसके बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। वहीं इस घटना के बाद दूसरे दिन सुबह कई नेताओं की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी, जहां इस घटना से पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री देकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर उन्हें सराहना भी दिया गया। लेकिन रात को हुई इस तस्वीर की चर्चा किसी ने नहीं की। वहीं पिछले दिनों भी एक ऐसी ही तस्वीर गोड्डा के पथरगामा प्रखंड से वायरल हुई थी, जहां एक महिला की मौत के बाद समाज और परिवार कोई भी उस महिला के दाह संस्कार के लिए आगे नहीं आ रहा था। उस वक्त पथरगामा थाना के थाना प्रभारी अरुण कुमार ने एक अर्थी को कंधा देकर खाकी के मानवी चेहरे की मिसाल कायम की थी। और बाजे पानी दो। अरे इसको कहाँ खेल दिए? अरे इसको निकालो, इसको निकालो, निकालो जितना है। अरे जल्दी पाइप लगा।